होगी रियलिटी से हटकर किस एक्ट्रेस की हुई छुट्टी, क्या होगी फिल्म ओटीटी पर रिलीज। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट स्वाति तिवारी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं आमिर खान की अपकमिंग मूवी मोगुल से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपने शायद ही कहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी गपशप बिना कोई वक्त गवाए। तो दोस्तों बॉलीवुड के जाने माने सिंगर और टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार, जिन्होंने अपनी सिंगिंग से लोगों के दिल में आज तक जगह बनाए रखी है, उनके इसी क्रेज को देखते हुए बॉलीवुड के जाने माने मेकर्स लेके आए हैं उनकी लाइफ बायोग्राफी पर एक फिल्म जिसका नाम है मोगुल। लेकिन बॉलीवुड के मेकर्स कितना भी किसी भी इंसान के ऊपर लाइफ बायोग्राफी बना लें, लेकिन उस फिल्म में अपनी तरफ से थोड़ा मसाला लगाए बिना मानो उनकी तो कोई फिल्म ही कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए लोगों का कहना है कि इस फिल्म में भी हमें बहुत सी जगह फिक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे कि गुलशन जी के कातिलों को सजा दिलवाने में लगभग 21 साल लग गए थे, लेकिन हम रियल लाइफ में देख सकते हैं कि गुलशन जी के कातिलों को सजा दिलाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बल्कि तुरंत ही उनके कातिलों को अरेस्ट करके उन्हें सजा सुना दी जाएगी। वेल, ये सब देखने में कितना मजा आएगा ये सब तो अब फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेकर्स ने बहुत सी एक्ट्रेस को रिजेक्ट करने के बाद मोनी रॉय को सिलेक्ट किया था गुलशन जी की वाइफ के रोल के लिए, लेकिन इधर बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें रिप्लेस करके किसी और एक्ट्रेस को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया है। जब हमने ये बात फिल्म के मेकर से कंफर्म की तो उन्होंने इस न्यूज को गलत बताते हुए बोला कि हमने मोनी रॉय को रिप्लेस नहीं किया है और वो ही इस फिल्म में एज सुदेश कुमारी नजर आएंगी। और मेकर्स ने ये भी कहा कि आप सब ऐसे र्यूमर्स को ना सुने, अगर हमें किसी को रिप्लेस करना भी होगा तो हम खुद ऑफिशियल अनाउंसमेंट देकर आप सबको बताएंगे, तब तक आप सब फेक न्यूज से बचकर रहिए। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जो इस मूवी को लेके हम र्यूमर्स सुन रहे हैं। वो कहते हैं ना, जितनी ज्यादा फिल्म की हाइप उतनी ही ज्यादा तेजी से उस फिल्म के र्यूमर्स फैलते हैं, और इसी र्यूमर्स के बीच एक ऐसी सच्ची खबर आई है कि सब दंग रह गए। क्या आपको पता है वो खबर क्या है? नहीं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये फिल्म जिसके ऊपर बन रही है, उनके मर्डर के पीछे अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन था और ये बात किसी से भी छुपी ही नहीं। इसीलिए जब से ये सबको पता चला है कि ये फिल्म में गुलशन जी के मर्डर की सच्चाई दिखाई जाएगी, तो इससे कई फेमस स्टार्स का गला सूखने लगा है और वो डरने लगे हैं कि कहीं उनकी भी सच्चाई सामने ना आ जाए। इसलिए भूषण कुमार को लगातार जान से मारने के थ्रेट्स आ रहे हैं। उनका इस पर कहना है कि वो ये सच्चाई सबके सामने ला कर रहेंगे, चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, उनको कोई फिक्र नहीं है। आज के टाइम में जैसे ओटीटी का फैशन सा चल गया है, लोग थिएटर्स में जाने के बजाय घर पर बैठकर आराम से अपने फोन या टीवी पर फिल्में देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हो सकता है ये मूवी भी थिएटर्स के बजाय किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हो। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी या थिएटर्स में। वेल, आपको क्या लगता है कि ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी या फिर थिएटर्स में? इस बारे में अपने व्यूज हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें, सेफ रहें एंड बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।